नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, जब भी बातचीत करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं शब्द जो बोलता हूँ हिंदी के, सरल हिंदी के बोलता हूँ, और बीच बीच में मैं अंग्रेजी के कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करता हूँ। तो साथ साथ कुछ मेरे ज़ुबान पर यूं ही कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं उर्दू के, जो कि अपने आप बचपन से ही हैं, जैसी संगत में, जैसा आपके आसपास का माहौल होता है, क्योंकि पंजाब में आसपास के क्षेत्रों में कुछ शब्द उर्दू के भी कईयों की ज़ुबान पर हैं। तो खैर, ये बातें अलग हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो नीचे कई बार कमेंट्स में लोग कह देते हैं, पहले ठीक से बोलना सीखो, हिंदी में बात करना सीखो, आप अंग्रेजी में बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हो, आप मानसिक गुलाम हो, फलाने फलाने लोगों का नाम लेकर के, ऐसे ये चीज़ें मैंने देखने को मेरे को मिलती हैं। हालांकि मुझे क्रिटिसाइज से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये एक प्रसाद है, हम सेवा करने निकलते हैं, हमारे को गालियां ना पड़े तो हमें पता हजम ही नहीं होता, हमें पता लगता है कि भैया कुछ गड़बड़ है। जब गालियां देते रहते हैं लोग, तो हमें पता लगता रहता है कि हमारी सेवा सफल हो रही है, क्योंकि यही प्रसाद है, हम तो ये मानते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी से उम्मीद नहीं करते। दूसरी बात, ये जो हम किसी को भी कह देते हैं ना, कि जैसे कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये देखो ये अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं है क्या है करना है क्या ज़िंदगी में। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो इंग्लिश यूज़ करता है, वो कहता कि मैं कुछ ऐसे सीखूं और बढ़ूं आगे, तो उसको लोग जो कट्टरवादी लोग कहूंगा मैं किसी भी धर्म पे निंदा या कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करने वाला, जस्ट एक मेरी चर्चा को आप निष्पक्ष होके सुन लेना, शायद आपको कुछ जीवन में लगे कि हाँ ऐसा है। तो वो लोग उसको टिप्पणी करते रहते हैं कि भैया ये देखो इंग्लिश बोलने चला, ये हमारी संस्कृति को छोड़ रहा है, इसको पता नहीं है हमारी संस्कृति क्या है। देखो भाई, हिंदी ये बोलने से संस्कृति को अपनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर संस्कृति ही अपनानी है तो फिर संस्कृति के भीतर डूबो, अकेली हिंदी बोलते जाओ और अनाप शनाप बोलते जाओ, जीवन में मूल्य ना हो तो फिर हिंदी किस काम की। बात ये नहीं है कि हम हिंदी बोले कि इंग्लिश बोले, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो अपनी चॉइस है, बात यह है कि हम अपनी बात को कितने दूर तक पहुंचा पा रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, और आपने देखा होगा कि जो लोग अलग अलग क्षेत्रों के हैं वो भी आपस में इकट्ठे यूनाइट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। तो उसमें कईयों को मैं कई बार शुरू शुरू में प्योर हिंदी की बात बोलता था, कोई शब्द ऐसा यूज नहीं करता था इंग्लिश का, तो लोग कहते थे भाई इसका मतलब समझाओ। अब कई लोगों को तो पूरी हिंदी भी नहीं आती है, अगर मैं पूरी हिंदी में बात करूँ ना, तो आप जो हिंदी जानने का, जिनको लगता है ना हमें हिंदी बहुत आती है, हम हिंदी से प्रेम करते हैं, उनके भी ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि हमारे को ये नहीं देखना कि हम किसी पे प्रभाव डाल सकें हिंदी बोल के इंग्लिश बोल के, हमें ये देखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति मुझे सुन रहा है क्या वो समझ पा रहा है। अगर वो समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को, तो फिर मैं जो मर्जी बोलता जाऊँ वो बेकार है। दरअसल हिंदी में लोगों को हिंदी की तरफ जोड़ ना जाऊं, मेरा ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ये भी मकसद नहीं कि मैं हिंदी से तोड़ के लोगों को इंग्लिश की तरफ ले जाऊं, बात ये नहीं है। मैं लोगों को प्रेम सिखाना चाहता हूं, मेरा मकसद यही है। मेरे गुरुओं ने यही कहा कि ये भाषाएं जो हैं ये एक देश काल में चलती हैं, दूसरे देश में जाओगे कुछ और चलता है, लेकिन प्रेम एक ऐसी भाषा है जो एक बार किसी को आ जाए सीख ले वो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटर है चाहे म्यूजिशियन है, वो किसी भी भाषा को जानता हो, इकट्ठे बैठेंगे तो वो सुरों में बात करते हैं, प्रेम के जानने वाले वो प्रेम की भाषा में बात करते हैं। तो ये चीज़ समझनी है कि हम अगर कह रहे हैं कि ये देखो जी ये इंग्लिश बोल रहा है, ये इंग्लिश का गुलाम हो गया है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम हिंदी से इतना कनेक्टेड हो गए कि हम बाकी भाषाओं से नफरत करना सीख गए। है तो ये भी एक नेगेटिविटी ना, अगर आपको कहीं सामने वाले में नेगेटिविटी दिख रही है कि ये इंग्लिश बोलता है, ये नेगेटिव गलत व्यक्ति है, आप किसी को, मेरे ऊपर चलो आपने मुझे कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी राज आते को छेड़ सकते हो, भैया ये देखो गलत है, ये हमारी विचारधारा का नहीं है, इससे तो आप ही अपनी जंजीरों में बंध गए। मैंने आपके ऊपर कोई कुछ नहीं किया, आप अपनी ही सोच के जंजीर में बस गए, फंस गए, तो आप उससे निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अपना दायरा छोटा कर लिया। एक तरफ हम कहते हैं हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है, सबको स्वीकार करती है, और हम अपनी संस्कृति की बात हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहां वो हिंदी जानते ही नहीं हैं, और मैं उनके इलाके में जाऊं, उनके देश में जाऊं,
मैं उनको जीवन जीने की कला सिखाऊं, मैं उनको अपने ऋषियों की जो विधाएं हैं जिससे कि वो खुश रह सकते हैं, ऐसी चीजें सिखाऊं। लेकिन उसमें मैं उनकी भाषा सीखने पहले लगूं कि मैं अपनी चीज सिखाऊं। तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसके देश की भाषा सीख के फिर उसको ऐसी चीजें सिखाए। नहीं, इंग्लिश ऐसी भाषा हमें हिंदी के बाद दिखती है जो कि हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है। पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता हमें उनसे कुछ चाहिए। पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का मतलब ये भी होता है कि हमें उनको देना है, हमें देना है। और वो कई लोगों ने मुझे ये कहा, जिसको चाहिए होगा वो अपने आप हिंदी सीख लेगा और ग्रंथ पढ़ लेगा। भैया ऐसा नहीं है, अगर सारे लोग ऐसे करने लग जाएं तो क्या बात थी। कोई भी व्यक्ति इतना कष्ट नहीं करता है। ये मेरा मकसद है जिंदगी का कि मैंने अपनी गुरुओं की जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचाना है, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, कुछ कोई भी पंजाबी बोलता हूँ, ये मेरी अपनी निजता है। आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर परिवार में देखो, हम बच्चे कई बार पढ़ते हैं तो वो अगर नहीं पढ़ेंगे आज के जमाने के हिसाब से, मैं नहीं कहता हिंदी छोड़ दो, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ने से उनको रोक लिया, भैया तुम हिंदी में चलो, ये प्योर हिंदी हो जाओ, तो वो बैंक में जाएगा ना पैसे डिपॉजिट करने, उसको फॉर्म नहीं पढ़ना आएगा, भरना आएगा। हिंदी में कई बार लिखा होता है किसी साइन बोर्ड पे, किसी वक्त नहीं लिखा होता है, कोई बंदा गाइड नहीं लेके जाएगा, भैया तू पढ़ के दिखा इंग्लिश में क्या लिखा है, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता क्योंकि मैं हिंदी से प्रेम करता हूँ। हिंदी से प्रेम करने का मतलब ये नहीं था कि दूसरी भाषाओं से नफरत कर लो, और ये ही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मैं किसी भी धर्म, जाति, मजहब किसी के ऊपर नहीं जाता। मैं कहता हूं अपने धर्म में मस्त रहो, किसी को गबोला ना कहो ना बुरा सुनो, दोनों बातें हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना बेवकूफी है। हमें लड़ना ही है तो बीमारी से लड़ना चाहिए। हम बीमार व्यक्ति को पीटने लग जाते हैं कि ये बीमार है, बीमार व्यक्ति है तो उसको ठीक करना है, उसकी बीमारी से लड़ो, उसको उससे दूर कराओ उसको। हम, मैं दुनिया में सच कहता हूं, मेरे को आप सिंपल वेश में देखते हो, कई लोग गलत अंदाजा लगा लेते हैं बड़े संत जी हैं बाबा जी। मैं एक आम इंसान हूं, मेरा वेश जो है सरल है, सहज है, मैं जैसा भी रहना चाहता हूँ ये मेरी चॉइस है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दुनिया को स्वर्ग में ले जाने नहीं आया हूँ कि आओ मैं आपको स्वर्ग की तरफ ले जाऊं, मैं दुनिया में स्वर्ग बन जाए ऐसी सोच रखता हूँ, ऐसा प्रयास करता हूँ। तो ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मैं हिंदी बोलूं या किसी दिन इंग्लिश में बोलूं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ किसी वक्त किसी वीडियो में तो मुझे लोग नीचे हिदायत कर देते हैं कि भैया तुमने अपने देश से प्यार नहीं है, तुम गुलाम हो गए, ये हो गए। ये भी देखो एक मिनट के लिए कि आप अपने विचारधारा के गुलाम हो गए हो। मैं किसी का बार बार विरोधी नहीं, मैं बार बार फिर जोर दे रहा हूं, आप हर भाषा सीखो ना सीखो, आप कोई भाषा बोलो ना बोलो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है, कुछ नया सीखता है जिंदगी में, तो उसको आप ये ना कहो कि वो आगे बढ़ रहा है, ये ना कहो कि तुम अपनी मेरे ऊपर कोई रंग लगाएगा। मैं इंग्लिश सीख लेता हूं तो क्या वो अंग्रेज मेरे ऊपर रंग लगा देंगे? मैं जिस गुरुओं के रंग में रंगा हूं, मैं जिस मालक की रजा में रंगा हूं, मुझे कोई आकर के ऐरा गैरा नथु खैरा रंग लगा जाएगा? आपको ऐसा लगता है? ये सोच मत लाओ मन में। अगर हमने कोई भाषा हमने सीख करके किसी और दायरा, अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने के साधन, ये भी एक साधन है भाषा। हर इंसान प्रेम नहीं समझता, हर भाषा मौन नहीं समझता, हर भाषा हर व्यक्ति हिंदी नहीं समझता, हर किसी की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मालक ने हमें दुनिया में भेजा है इन छोटी छोटी बातों के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। अगर लड़ना ही है, भिड़ना ही है, तो उन चीजों के लिए लड़ो जो समाज में और कुरीतियां थोड़ी हैं। कोई जाति प्रथा है, कोई भेदभाव है, कोई ऊंच नीच है, उस तरह की चीजों को खत्म करो। और लड़ना ही है तो प्रेम की भाषा में लड़ो, लाठियों से, सोटियों से, नफरतों से। ये दीवारें खड़ी कर करके नहीं लड़ा जा सकता। लड़ना है तो मारना ही है किसी को, तो प्रेम से मारो। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।